तो यार ये जो वीडियो होने वाला है सीप भाई के लिए होने वाला है, क्योंकि यार सीप भाई से जो मेरी यादें जुड़ी है, जो उसने मुझे बताया वो मैं आप लोगों के पास बताने जा रहा हूँ। तो यार ये मैं जो सुना ये मैं टोटली शॉक था, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम अचानक से ओपन किया तो मैंने तरुण भाई का मतलब T7 लाइफ स्टाइल उनका मैंने स्टोरी देखा, उसके बाद मैंने रैप बॉट का देखा, उसके बाद हिप हॉप पेज का देखा, उसके बाद मैं मुझे बिलीव नहीं हुआ तो मैंने किंगो भाई को मतलब अली भाई को मैंने कॉल किया ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वो भी मुंबई में रहते हैं। मैंने उसे कॉल किया, भाई ये क्या मैं क्या सुन रहा हूँ? तो वो बोल रहे हैं राजदीप भाई आप जो सुन रहे हो वो सही सुन रहे हो। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सीप भाई जो इंसान मुझे एक टाइम डिप्रेशन से निकाला है, मतलब कि मैंने जब 200 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था कुछ नहीं हुआ था, मेरे यूट्यूब का मोनेटाइज वगैरह कुछ नहीं उस टाइप का हुआ था, तो सीप भाई ने मुझे समझाया कि राजदीप भाई ऐसा होता है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, मतलब कि हिम्मत हारना मत, आगे हो जाएगा जो भी होगा, बाकी बात मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो फिर मैंने मेहनत किया, उसने मुझे निकाला यार, और वो खुद डिप्रेशन से चल रहे थे, यार ये क्या हो गया, कर दिए सीप भाई। खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बट यार सीप भाई ये गलत था यार, ये डिसीजन लेना वो गलत था। बाकी बात कमेंट में सीप भाई के लिए आत्मा की शांति के लिए रेड हार्ट रेड हार्ट रेड हार्ट, बस आप लोग प्रे करो किसी भाई को आत्मा को शांति मिले, और तो कुछ अब नहीं हो सकता। बट लेकिन डिप्रेशन से किस लिए गुजर रहे थे ये मुझे पूरा का पूरा कुछ नहीं पता है कैसे क्या हुआ, बट लेकिन सुसाइड करना ये गलत था। तो बाय बाय, लव यू शिव भाई, मिस यू यार, यू आर लेजेंड, यू आर लेजेंड, क्योंकि आपने मुझे समझाया है, तो दिल में हमेशा प्यार रहेगा आपके लिए।